नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ पूजा। आइए नजर डालते हैं आज की खबर पर। देश में सब्जियों पर इस समय आग लगी पड़ी है। रोजमर्रा में खाई जाने वाली सब्जियां भी आम आदमी की थाली से दूर होती जा रही हैं। लेकिन सबसे ज्यादा महंगाई टमाटर पर छाई है। देश में टमाटर 200 रुपये प्रति किलो बिक रहा है। आलम यह है कि घर की रसोई से लेकर होटलों की थाली तक से टमाटर गायब नजर आ रहा है। टमाटर की आसमान छूती कीमतों के बीच कर्नाटक से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। यहां चोरों ने एक किसान के खेत में डाका डाला है। चोरों ने किसान के खेत से लाखों रुपये के टमाटर चुरा लिए। टमाटर चोरी की यह घटना 4 जुलाई की बताई जा रही है। कर्नाटक के हासन जिला निवासी धरजी नाम के किसान ने बताया कि चोरों ने उसके खेत से बड़ी मात्रा में टमाटर चुरा लिए हैं। किसान ने पुलिस में शिकायत दर्ज करते हुए बताया कि उसके 2 एकड़ जमीन में टमाटर उगाए थे। फसल पकने के बाद वह टमाटरों को बाजार में बेचने की योजना बना रहा था, लेकिन इस बीच चोरों ने टमाटर की फसल पर हाथ साफ कर दिया। फिलहाल हलेबीडो पुलिस मामले की जाँच कर रही है। आपको बता दें कि जब से टमाटर के भाव चटकी आई है, तब से बाजार में इसका भाव 200 रुपये किलो तक पहुंच गया है। यही वजह है कि अब चोरों की नज़र में सोना चांदी जैसी चीज़ें छोड़कर टमाटर पर जा चुकी हैं। आपको बता दें कि भारतीय बाज़ार में टमाटर के साथ ही अब दूसरी सब्जियां भी आम आदमी इस पहुंच से बाहर निकलती हुई नज़र आ रही हैं। इनमें अदरक और हरी मिर्च के बाद अब हरे धनिए के भाव रॉकेट बन गए हैं। बाज़ार में हरा धनिया 200 रुपये किलो तक मिल रहा है।